तो मैं इस विषय के पक्ष में बोलने जा रहा हूँ और मैं आशी की बात से असहमत हूँ कि क्रोध करना अच्छा नहीं, क्रोध करना बहुत अच्छा है। वरना आजकल की पीढ़ी में तो लोग चलते चलते हमें कहीं भी मार देंगे। दोस्तों, आज की पीढ़ी में, आज के ज़माने में तो क्रोध करना एक हथियार का, बचाव का हथियार बन चुका है। दोस्तों, आजकल की पीढ़ी में तो क्रोध करना एक हथियार का बचाव बन चुका है। जो लोग आज भी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अहिंसा परम धर्म नहीं है, हिंसा परम धर्म है। अगर आज भी आपने हिंसा नहीं करी तो लोग तुम्हें चलते चलते मार डालेंगे। अगर गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर चाटा पड़े तो दूसरा गाल आगे करो, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आज वो ज़माना नहीं रहा। मुझे बताओ, वो तीन लोग कौन थे जो देश के लिए 26-26 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए? वो नहीं सोचते थे कि एक गाल पर चाटा पड़े तो दूसरा गाल भी आगे करो? और मेरे एक विपक्षी वक्ता ने कहा था कि क्रोध से सफलता प्राप्त नहीं होती। मैं उसे कहना चाहूँगा, अगर न्याय नहीं मिला तो सफलता कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए तो क्रोध जरूरी है ना। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि क्रोध सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, क्रोध सकारात्मक चीज़ है।